पांचवा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम, इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुपुष्ट छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महाअसुरों से तिरस्कृत होने पर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण किए जाने पर वे हमारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर देंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नेत्रेत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रुधा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति या क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है,
जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उस व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में उन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों के सताए जाने पर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भीतर से विनर्म पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आईं। उन सुंदर बहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने लगीं और कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उस परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रत्न है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्च शवा घोड़ा सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको कंजलिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का यह शत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने उनसे छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर भी
यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, आप इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय इन तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चैश्वर्वा नामक अश्व प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर मुझे समर्पित कर दिया है। सुंदरी, इसके अलावा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। निशुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और शुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से निशुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।